तो दोस्तों अगर आपका बजट रेंज 15,000 के आसपास है तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आपको एक 5G स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी 5G आने में ज्यादा टाइम रह नहीं गया है। तो ऐसे में 15,000 के बजट रेंज में 5G स्मार्टफोन को परचेस करना एक बेस्ट चॉइस है। और इस बजट रेंज में अभी रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च हुए हैं जहां पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलता है, एकदम टॉप नॉच वैल्यू फॉर मनी वाली स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। और इस वीडियो में मैंने आज आपके लिए कुछ जबरदस्त 5G स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है जहां पे आपको टॉप नॉच लेवल का पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलने वाला है, जहां पे आप हेवी गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी मिल जाएगी प्रो फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और जितनी भी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है वो भी एकदम तगड़ी दी गई हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई से ऐसा ही 5G स्मार्टफोन चाहिए था तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग और कंपनी के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर पाए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स 12 5G वाला एडिशन। बहुत ही रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और टॉप नॉच लेवल की स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अगर आपको एक इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन चाहिए था 15,000 के बजट में तो इस स्मार्टफोन के साथ आप जरूर जा सकते हैं। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करेगी। कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बैक में आपको AG मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 810 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन Android 12 पे आता है, XOS पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 33W के फास्ट चार्जिंग को। बात करें कैमरे की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, प्राइमरी कैमरा 50MP का, दूसरा 2MP का डेप्थ शूटर और तीसरा कैमरा AI लेंस है। फ्रंट में भी आपको 16MP का सेल्फी जिटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 2K तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसके साथ साथ सुपर नाइट मोड, बोके मोड और शॉर्ट वीडियो मोड जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको 3D कूलिंग मास्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, 9-layer ग्रेफिन कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, वर्चुअली रैम को एक्सपांड कर सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 14,999 रुपीज में। इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना वहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन तो नो डाउट वैल्यू फॉर मनी वाली टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाती है, पर उसके साथ साथ यूजर एक्सपीरियंस और कैमरे की क्वालिटी इतनी ज्यादा तगड़ी नहीं है। और अगर आपको इन्फिनिक्स नोट 12 पसंद नहीं आ रहा है तो आप जा सकते हैं हमारे लिस्ट नंबर 4th वाले स्मार्टफोन की तरफ जो कि आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F23। तो दोस्तों अगर आपको 15,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट और पावरफुल सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए था जहां पे आपको कैमरे की क्वालिटी भी एकदम तगड़ी देखने को मिल जाए तो F23 नो डाउट बेस्ट चॉइस है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की तो यहां पे आपको देखने को मिल जाती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक TFT डिस्प्ले जो कि इन्फिनिटी यू वाली ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और 3.5mm का हेडफोन जैक मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है, वन UI पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 25W के फास्ट चार्जिंग को। इनबॉक्स आपको कोई भी चार्जिंग अडाप्टर नहीं मिलने वाला है। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 8MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाते हैं, सैमसंग के नॉच की सिक्योरिटी मिल जाएगी, वर्चुअली रैम एक्सपांड करने का ऑप्शन मिल जाता है। स्मार्टफोन 2 कलर वेरिएंट के साथ आता है। फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वो आपको देखने को मिल जाएगा 14,999 रुपीज में। हालांकि स्मार्टफोन कैमरा यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत ही तगड़ा है, पर उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ कॉन्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि TFT डिस्प्ले है ड्रॉप नॉच वाली जो कि थोड़ा सा ओल्डिश लुक है और साथ में आपको इनबॉक्स कोई भी चार्जिंग अडैप्टर नहीं मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे देश में नंबर 3rd पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो की तरफ से वीवो T1। तो दोस्तों अगर आपको 15,000 के बजट में कोई सा एक बेस्ट परफॉर्मिंग वीवो का स्मार्टफोन चाहिए तो वीवो T1 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। यहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी के साथ साथ परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच लेवल की देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 3.5
mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बात करें अगर प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड पे आता है और फ्रंट टच ओएस 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 18V के फास्ट चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, दूसरा कैमरा 2MP का और तीसरा कैमरा भी 2MP का। फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके साथ साथ लाइव फोटो, सुपर स्लो मोशन और टाइम लैप्स जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये स्मार्टफोन 2 कलर वेरिएंट के साथ आता है। गेमिंग मल्टीटास्किंग के लिए आपको यहाँ पे टर्बो कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम प्लस 128GB रोम वाला, वो आपको देखने को मिल जाएगा 15,990 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो G71। तो दोस्तों अगर आपको 15-16 हजार के बजट में कोई सा एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए था जहाँ पे आपको टॉप नॉच लेवल का यूजर एक्सपीरियंस मिल जाए, कोई भी एड्स ना हो, ब्लोटवेयर ना हो और उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो मोटोरोला की तरफ से मोटो G71 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एक सुपर एमोलेड मैक्स विजन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, 3.5mm का हेडफोन जैक भी है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आता है, स्टॉक एंड्रॉइड पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है 33W के टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग को। बात करें कैमरे की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, दूसरा कैमरा 8MP का डेप्थ और अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा मिल जाएगा 2MP का मैक्रो शूटर। फ्रंट में भी आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा 60fps पे। बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स हैं, थिंगसिल की सिक्योरिटी है, डॉल्बी एटमॉस की तरफ से आपको बॉटम में सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो करंटली इस स्मार्टफोन का 6GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है 15,999 रुपीज में। ये प्राइसिंग 15,000 से थोड़ी सी ज्यादा जरूर है, पर अगर आप बैंक कार्ड में इस स्मार्टफोन को परचेस करते तो आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है पोको की तरफ से पोको X4 Pro। तो दोस्तों अगर आपको 15-16 हजार के बजट में कोई सा एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली स्पेसिफिकेशंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो पोको X4 Pro के साथ जरूर जा सकते हैं, जहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, पावरफुल प्रोसेसर है, टॉप नॉच लेवल के कैमरे की क्वालिटी है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और 3.5mm का हेडफोन जैक भी मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आता है, MIUI 13 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करती है सुपर फास्ट 67W के टर्बो चार्जिंग को। बात करें अगर कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाते हैं, 1080p तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, जेड एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर है, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है और टर्बो रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन भी दिया गया है। LPDDR5 की रैम मिल जाती है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है 6GB रैम प्लस 64GB रोम वाले की वो आपको देखने को मिल जाती है 15,999 रुपीज में। हालांकि प्राइसिंग ज्यादा है, बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर पे आपको ये स्मार्टफोन 14,999 में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप कोटक बैंक के डेबिट कार्ड पे इस स्मार्टफोन को परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको आराम से 15,200-15,300 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये तो थे हमारे लिए इसके टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स जिनकी प्राइसिंग आपको 15,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग और कंपनी के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। वैसे अगर आपको MIUI और Realme का कोई सा स्मार्टफोन चाहिए तो Xiaomi की तरफ से Mi 11T जो स्मार्टफोन है वो 15,000 के बजट में बहुत ही सही है और Realme की तरफ से Realme 9 5G के साथ आप जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।